अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू फोर व्हीलर। मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, उस गाड़ी का नाम है टोयोटा हाइलक्स रिवो वी वेरिएंट फेसलिफ्ट। तो आज रिव्यू स्टार्ट करते हैं। थैंक यू टू टोयोटा शाहीन मोटर फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। इसके यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर की स्ट्रिप मिलेगी, एक रेजोनेंट हेडलैम्प मिलेगा, यहाँ पे एक पार्किंग बल्ब मिलेगा, नीचे आपको फॉग लैम्प मिलेगी और उसके सराउंडेड मैट ब्लैक हुआ हुआ है। इसकी जो ग्रिल है वो आपको क्रोम और ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगी। इंजन विद टर्बो एंड इंटरकूलर आता है। तीन इंचेस के अलॉय रिम आते हैं इसमें, इसके साइड स्टेप्स आते हैं, इसके जो साइड भी मिरर है उसके ऊपर क्रोम और यहाँ पे ब्लैक मैट ब्लैक आता है, उसके अंदर एक इंडिकेटर आता है। और इधर आपको एक लावा ब्रेक लैंप मिलेगा, एक रिफ्लेक्टर मिलेगा, एक रिवर्स लाइट और एक इंडिकेटर। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिलेगा और यहाँ पे आपको एक रिवर्स कैमरा मिलेगा। यहाँ पे आपको एक स्टेप मिलेगा। आधे इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसके मास्टर कंट्रोल आते हैं, यहाँ पे कप होल्डर, फाइल होल्डर, यहाँ पे एक स्पीकर आता है, ये पुश स्टार्ट में आती है, इसका स्टीयरिंग फोर स्कोप है। यहाँ पे इसके मीटर की सेटिंग आती है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और यहाँ पे वॉइस कंट्रोल। यहाँ पे इसके लाइट की सेटिंग आती है और यहाँ पे वाइपर्स की। इसके ना टच स्क्रीन आती है। यहाँ पे इसके AC के कंट्रोल्स आते हैं। यहाँ पे दो कप होल्डर आते हैं। यहाँ पे इसका 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स आता है। यहाँ पे इको मोड आता है और पावर 4x4 आता है। इसके अंदर दो 12V के चार्जिंग टॉप आते हैं, एक ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, एक हिल असिस्ट, एक डिफलॉक और ऑक्स आती है और फास्ट चार्जिंग आती है। यहाँ पे कंपार्टमेंट आते हैं और दो कप होल्डर आते हैं। इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक आती है और यहाँ पे आर्मरेस्ट आता है और उसके अंदर एक कंपार्टमेंट आता है। कंपार्टमेंट के अंदर एक 100V का चार्जिंग टॉप आता है। यहाँ पे इसकी एक लॉक आती है, यहाँ पे एक कूल बॉक्स आता है और एक ग्लव बॉक्स। और रीडिंग लाइट्स आती है, सनग्लास होल्डर आते हैं, पीछे भी एक रीडिंग लाइट आती है। इसमें दो शेड्स आते हैं और यहाँ पे वैनिटी मिरर आता है। इसकी बैक में दो AC के वेंट्स आते हैं और पीछे एक आर्म रेस्ट आते हैं जिसके अंदर दो कप होल्डर आते हैं।